गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनाना सिखाऊंगी और मैजिक रिंग में मैजिक करना सिखाऊंगी। ये पैटर्न बच्चों को बहुत प्रिय है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये दो कलर की ऊन लिए, लाल और सफ़ेद रंग की। लाल रंग की ऊन से मैं एक मैजिक रिंग बनाऊंगी, ठीक है। मैजिक रिंग बन गई है, ठीक। मैजिक रिंग में सबसे पहले एक चैन लेंगे, एक चैन ले लिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, ठीक है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया पता ही आपको, तीनों को एक साथ खींचते हैं की चीज़ को कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया, और तीन डबल क्रोशिया लेंगे, एक दो तीन, है ना। अब इसी मैजिक रिंग को अभी खींचना नहीं है, इसी मैजिक रिंग को में हम सफ़ेद ऊन को जोड़ेंगे। सफ़ेद ऊन को जोड़ के इसको यूं का यूं छोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें सफ़ेद ऊन जोड़ते हुए अब मैं अपने दूसरी ऊन सफ़ेद ऊन को इसमें जोड़ दूंगी, इसी मैजिक रिंग में, ठीक है। मैजिक रिंग में जोड़ लिया और मैंने एक चैन बना ली, जैसे पहले बनाई थी वैसे एक चैन बना ली, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, ठीक है जी। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और तीन डबल क्रोशिया बना लिया और मैजिक रिंग को खींच देंगे। आगे मिलते हैं। दोनों स्टिचेज, दोनों ऊन साथ चल रही है ना। अब मैं मैजिक रिंग को छोटा कर दूंगी खींच के, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी चालू है, ये भी चालू है, तो मैं अब लाल ऊन सफ़ेद को छोड़ दूंगी और लाल ऊन से ये जो सफ़ेद चैनें दिख रही हैं, इन पांच चैनों में मैं प्रत्येक में दो दो डबल क्रोशिया लेते हुए ये पैटर्न पूरा करती हूँ। मिलते हैं। अब मैंने ये पूरा अपना लाल रंग की ऊन से ये पूरा कर लिया, आठ डबल क्रोशिया बन गया। ये लास्ट में दो के पास ही एक और बच गई चैन, उसमें दो डबल क्रोशिया, प्रत्येक में दो दो बनेंगे, पांच चैन थी तो 10 हो गए डबल क्रोशिया। तो मैंने लाल ऊन से अपना ये ख़त्म कर लिया है दो दो डबल क्रोशिया बनाकर। अब मैं इसको लाल ऊन को यही छोड़ दूँगी लंबा धागा करके। अब मैं ये सफ़ेद ऊन लूँगी, सफ़ेद ऊन से प्रत्येक ये जो लाल है ना ये चैने, इनमें प्रत्येक में दो दो डबल क्रोशिया लेते हुए 15 चैन तक मैं बनाऊँगी, यानी 30 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आइए मिलते हैं आगे। अब देखिए आप पैटर्न में साफ दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने यहाँ से शुरू किया था यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड लेते हुए मैंने यहाँ 15 ये चैन में प्रत्येक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए 30 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में मैं आ गई हूँ और इस लास्ट में मैं दो डबल क्रोशिया और बना दूँगी, ठीक है। एक ये दो, इसको लंबा करके छोड़ देंगे। अब हम लाल ऊन लेंगे, लाल ऊन से को लेकर हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक यहाँ से यहाँ तक 10 चैन में हम डबल क्रोशिया लेकर बनाते हैं। आगे मिलते हैं। हाँ, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक लाल रंग की ऊन को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक 10 चैन में प्रत्येक में दो दो डबल क्रोशिया लेते हुए मैंने ये
18 बन गए, ये 19। मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 चैन में प्रत्येक में दो दो डबल क्रोशिया लेते हुए 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब लास्ट में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, अब मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 3 का 1 कर देंगे, ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब क्या बनाएंगे? एक सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया बना लिया और लास्ट में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए, एक लास्ट में लेंगे हम और बाद में मिलते हैं। अब इधर रेड का पैटर्न खत्म हो गया, वाइट में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे पैटर्न खत्म करते हुए, एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। इनके कुछ इस तरह तैयार हुआ है ना, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि जी हाँ ये बच्चों की कैंडी बन रही है। अब मैं इन दोनों छोर पर है ना वाइट कलर की उनसे 5 चैन लूँगी। पहले एक छोर पर बनाएंगे, 5 चैन लेंगे, एक और मैंने 5 चैन लेके और क्रोशिए पर धागा 3 वाला लपेटा है, ठीक है, 2 3, ठीक है, और ये करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 5 चैन, 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 5 चैन सेम होल में, एक ही होल में, सब बातें हमें एक ही होल में करनी है, ठीक है ना। 5 चैन लेंगे, 3 4 5, और इसी होल में स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे, ठीक है, आगे मिलते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने सफ़ेद ऊन जोड़ लिए इस तरफ भी, और पहले 5 चैन लेंगे सबसे पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर क्रोशे पर 2 बार ऊन लपेटी, ठीक है, और उसी होल में 1 2 और 3, ये एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, फिर 1 2 बार लपेटी उनको, फिर 2, इस तरह से हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 तो बन गए, ये तो 5 चैन 2 बन गए, 2 और बनाकर और 5 चैन बनाकर इसी में स्लिप स्टिच से बंद करते हुए मिलते हैं। हमारा पैटर्न बनकर तैयार है, कितनी सुंदर कैंडी बनी है बच्चों को खाने के लिए तैयार है। ये एक मैंने पहले बना के रखी, बहुत सुंदर बने नहीं, आप भी बनाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।